गुड मॉर्निंग एवरी वन दिस इज़ क्लास टू इंग्लिश और आज हम चैप्टर सिक्स के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे पिछली बार हमने इसका जो चैप्टर है वो समझा था ठीक है लेट्स टॉक चलो बातें करते हैं रोल प्ले रोल प्ले मतलब कोई भी ऐसा रोल हो उसको आप उसके मुताबिक बातचीत करो उसके मुताबिक आप बर्ताव करो ठीक है रवि सेस टुमारो इज संडे देखो यहाँ पे रवि है और बीच में गैप है फिर सेंटेंस है मतलब यहाँ रवि कह रहा है सेस कह रहा है ठीक है क्या कह रहा है रवि सेस टुमोरो इज संडे रवि कह रहा है कल संडे है हरि सेस लेट्स प्ले अ हॉकी मैच हरि बोला चलो सेस यानी बोला भी होता ठीक है चलो लेट्स चलो हॉकी मैच खेलते हैं रवि सेस यस लेट्स डू दैट हाँ रवि बोला चलो ऐसे करते हैं वर्क इन पेयर्स एंड यूज सूटेबल वर्ड्स इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइंड वंस यू मे यूज सम ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो इंस्टीड ऑफ संडे सनडे हॉलीडे दिवाली माई फ्रेंड्स बर्थडे इंस्टीट्यूट ऑफ प्ले और हॉकी मैच गो टू द ज़ू विजिट द साइंस म्यूजियम थ्रो अ पार्टी देखो जैसे यहाँ बात की गई है संडे की तो इसके बदले ये जो डे हैं यूज़ कर सकते हैं प्ले और हॉकी मैच के बदले ये यूज़ कर सकते हैं ठीक है जैसे एक मैं बता दूँ रवि सेस टमोरो इज अ हॉलीडे हरी सेस लेट्स गो टू द ज़ू ठीक है ये ये हो गया ये हो गया और ये हो गया ऐसे आप इन वर्ड्स का यूज करके इन सेंटेंसेस का यूज करके फ्रेजेस का यूज करके नए सेंटेंस बना सकते हैं बातचीत बढ़ाने के लिए हमारी जो कन्वर्सेशन है उसको अच्छा करने के लिए ठीक है लेट्स स्पीक चलो बोलते हैं फन विथ साउंड्स से धीज वर्ड्स अलाउड इन वर्ड्स को थोड़ा जोर से बोलो हुक फूट बुक टूथ बूट स्पून ठीक है हुक टूथ फूट बूट बुक स्पून लेट्स लर्न ग्रामर चलो ग्रामर पढ़ते हैं प्लस एक्सप्रेशंस रीड दिस सेंटेंसिस वन द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन टू द रॉबोट इज स्लीपिंग इन द चिल्ड्रंस रूम द वर्ड्स इन इटैलिक्स आर प्लेस एक्सप्रेशन और फ्रेसिस अ प्लेस एक्सप्रेशन बिगिनस विद अ प्रिपोजेशन देखो प्लेस एक्सप्रेशन क्या होती है एक्सप्रेशन यानी जो कोई जगह बताती है ठीक है ये इटैलिक वर्ड है देखो इटैलिक यानी थोड़ा ऐसे क्रॉस होता है ठीक है इन द चिल्ड्रंस रूम द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन बच्चे हैं गार्डन में खेल रहे हैं ठीक है द रॉबर्ट इज स्लीपिंग इन द चिल्ड्रंस रूम तो ये इन द गार्डन और इन द चिल्ड्रंस रूम ये प्लेस एक्सप्रेशन है कोई जगह बताती है ठीक है यूज द फ्रेसिस गिवन इन द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ये फ्रेसिस हैं इनको सेंटेंसेस में कंप्लीट करना है फील करना है ठीक है देखो अंडर द एप्पल ट्री ऑन द ग्रास इन द लैक इन द बास्केट अक्रॉस द रोड वन द कैट इज सिटिंग अंडर द एप्पल ट्री कैट है वो एप्पल ट्री के नीचे सेब के पेड़ के नीचे बैठी है सिटिंग यानी बैठी है अभी भी बैठी है ठीक है द रॉबोट इज जम्पिंग इन द बास्केट रोबोट है वो बास्केट में जंपिंग कर रहा है कूद रहा है तो जो आईएनजी लगा हुआ है मतलब अभी भी हमारे सामने एक्टिविटी चालू है देखो चालू है ना एक्टिविटी बैठी है वो चालू है ये भी है और ये भी द डॉग इज रनिंग अक्रॉस द रोड डॉग है वो अक्रॉस द रोड रोड पर दौड़ रहा है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द ग्रास बच्चे हैं वो ग्रास पे खेल रहे हैं द बॉयज आर स्विमिंग इन द लैक बॉयज हैं वो लेक में तालाब में स्विमिंग कर रहे हैं तैर रहे हैं Let's use grammar. A, use there is or there are in the blanks below. Example there are a lot of biscuits on this plate. 1. There is a worm in my apple. There are two dogs running behind you. There is a bee in this room. देर आर in इन माई आइसक्रीम देर आर नट्स ऑन दिस केक तो there आर एंड so there, there is की बात की गई है ठीक है There आर मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो धैर आर होता है और there ईस यानी कोई एक चीज हो तो जैसे देखो देर आर lot ऑफ बिस्किट्स ऑन दिस प्लेट इस प्लेट पे बहुत सारे बिस्किट्स हैं ठीक है थीके? तो बिस्किट्स है तो आर आ गया फिर यहाँ देर इज अ वॉम इन माई एप्पल तो ये वाम यानी कीड़ा है तो एप्पल क्या है एक एप्पल है उसमें एक कीड़ा है ठीक है अ वाम एक कीड़ा है देर आर टू डॉग्स टू डॉग्स हैं इसलिए आर आ गया ठीक है देर आर टू डॉग्स रनिंग बिहाइंड यू तुम्हारे पीछे दो कुत्ते दौड़ रहे हैं दो कुत्ते तो आर आ गया देर इज बी इन दिस रूम इस रूम में एक बी है ठीक है तो बी एक हो गया तो इज आर चैरीस इन माई आइसक्रीम मेरी आइसक्रीम में बहुत सारी चेरीस हैं देखो तो अगर चेरीस यानी बहुत सारी हैं तो ये आर आ गया देर आर नट्स ऑन दिस केक इस केक पर नट्स हैं ठीक है तो नट्स है बहुत सारे होते हैं तो आर आ गया ठीक है तो इस तरह से इसका हम यहाँ एंड करते हैं गुड बाय यहाँ से कल नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे